ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं जितने भी बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करने वाला हूं सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच करना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को जो है अपना फोटो जो है इस टाइप से आपको क्लिक करवा लेना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देन आपको उसका बैकग्राउंड रिस करना है, एंड यहाँ पे बैकग्राउंड को रिस करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ड्रो टूल का, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लेयर को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे इरेजर को हम सिलेक्ट कर लेंगे, एंड यहाँ से हम जैसे फटाफट इरेज कर लेंगे। भाई गाइस, मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस नहीं बता सकता कि आपको बैकग्राउंड कैसे इरेज करना है। अगर आपको एकदम डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप जाकर उस वीडियो को देख लेना। बाकी मैं इसको फटाफट यहाँ से मैंने इसको जो है मतलब इरेज कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे हमारी रेज हो चुकी है, तो अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ से, एंड हम चलते हैं हम सीधा वीडियो पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, एंड पिक्सर टैब में ओपन करना है। फिर उसके बाद आपको सिंपली ऐड फोटो में चले जाना है, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। एंड जैसे यहाँ पे आप अपने मॉडल को ऐड करोगे तो कैसे आपको जहाँ पे बस के पास कुछ स्टेप्स आपको अपने मॉडल को यहाँ पे खड़ा कर देना है। ये गाइस इसलिए क्योंकि मतलब कि यहाँ पे जो मतलब ये मैंने आपको बैकग्राउंड पूरा इसलिए दे रखा है ऐसा, ताकि आप लोग जो है डायरेक्ट अपने मॉडल को जो है कहीं भी खड़े होकर आप फोटो क्लिक करवा लो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो। मतलब कि अगर आप कहीं बस ढूंढोगे तो यार इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा हर किसी के लिए, तो आप लोग डायरेक्ट कहीं भी फोटो क्लिक करवा लेना और आप लोग मतलब उसका बैकग्राउंड रेस करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रेस करते वक्त मेरा कुछ पार्ट रह गया था, तो उसको मैं अभी यहाँ पे रेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसको मैं फटाफट करता हूँ, ध्यान बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हो जाने के बाद आप लोगों को करना क्या है गाइस, देखिए अभी हम यहाँ पे बनाएंगे शेडोज, ठीक है। तो अभी हम जो है यहाँ से भी थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ, पे थोड़ा सा एरिया यहाँ पे भी रह गया है, ठीक है। अब गाइस हम शेडो का जो प्रोसेस है हमारा वो गाइस बहुत अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है, हर बार सेम नहीं होता है, क्योंकि शेडो जो है अलग अलग तरीके से बनी जाती है ना। तो आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे, तो आपको पहले करना है कि यहाँ पे आपको अपने मॉडल का जो डुप्लीकेट बनाना है, एंड इसको आपको सेम साइज़ में वैसे ही रख देना है। इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है, फिर आपको कलर्स वाले ऑप्शन में जाके आपको ब्लैक एंड व्हाइट चूज़ करके इसका अमाउंट जीरो करके डन कर देना है। फिर आपको जाना है इरेजर टूल में, इसको इन्वर्ट कर देना है, एंड इरेजर में जो भी पार्ट रह जाए उसको भी इरेज कर लेना पहले ही, ठीक है। फिर इरेज हो जाने के बाद आपको करना है यहाँ पे आपको ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद आपको साइज़ को इंक्रीज़ करना है, ओपेसिटी हार्डनेस कम कर देना है, एंड आपको जहाँ जहाँ पे मतलब कि शेडो चाहिए आपको वहाँ पे मतलब इस तरीके से पेंट करना है, मतलब पैर के नीचे ही पेंट करना है, क्योंकि हमें नीचे का एरिया डार्क चाहिए ताकि हम जब शेडो बनाएंगे तो एकदम मैच हो जाए, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हम ऐड फोटो में जाएंगे, बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में जाकर ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेंगे, एंड इसको लेने के बाद हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स इसको इस तरीके से पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम मूव डाउन कर देते हैं। अब इतना हो जाने के बाद इरेजर टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ करना है, एंड फोटो को जूम करना है, एंड इसको जूम कर देने के बाद आ गए आप लोग कुछ स्टेप्स जैसे शेडो को क्रिएट करना है, ठीक है, इस तरीके से। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोग को फिर क्या करना है, अब जैसे इतना काम कर लोगे तो आपको जो है मतलब कि यहाँ पे मतलब कि गाइस यहाँ पे मैं शेडो बनाना इस तरीके से आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा इजी स्टेप है, और गाइस शेडो जो है अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, तो उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लेना। आपको इसमें इजीली समझ आ जाएगा कि आपको शेडोज जो है कैसे बनानी चाहिए, किस जगह पे कैसी शेडोज बनती है, तो वो सब कुछ मैंने बता रखा है वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग देख लेना आपके पास जब भी टाइम मिले। तो अभी हमारे यहाँ पे शेडो बन चुकी है, फिर मैं बताता हूँ आपको आपका आगे क्या करना है। तो अभी हम फिलहाल के लिए क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे डन, एंड यहाँ पे हमारा पिक्सआर्ट का सारा काम हो चुका है, ठीक है। फेस स्मूथनिंग एंड जो भी मतलब कि हेयर्स वगैरह आपको सेट करना है वो गाइस उसके लिए भी अलग प्रोसेस होता है, तो वो भी मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा अभी। तो अभी हम कलर ग्रेडिंग पे चलते हैं, ठीक है। तो कलर ग्रेडिंग में जाने के बाद आपको लाइट वाला ऑप्शन लेना है, पहले इसका कॉन्ट्रास्ट आपको यहाँ पे इंक्रीज़ कर देना है, एंड जो हाईलाइट्स हैं इसको इंक्रीज़ कर देना है, एंड जो शेडोज़ हैं इनको भी इंक्रीज़ कर देना है, एंड जहाँ पे ब्लैक्स हैं इसको भी बढ़ा देना है, एंड जो वाइट है इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको फिर कलर्स में जाना है, कलर्स में जाने के बाद आपको जब वाइब्रेशन बढ़ा देना है, एंड जो टेम्परेचर है इसका थोड़ा सा कम कर देना है। फिर उसके बाद मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका ल्यूमिनस आपको बढ़ा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको येलो कलर लेना है, इसका ह्यू माइनस कर देना है, एंड ल्यूमिनस को बढ़ा देना है। इतना जाने के बाद आपको डार्क ब्लू लेना है, ठीक है, एंड इसके बाद इसका जो है आपको ल्यूमिनस बढ़ा देना है, एंड सैचुरेशन को कम कर देना है, ठीक है। इतना जाने के बाद नीचे वाले टूल में जाना है, यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी को आपको बढ़ा देना है, एंड फोटो में विग्नेट डाल देना अपने फोटो के अकॉर्डिंग। फिर आपको नीचे वाले टूल में जाना है, एंड यहाँ से जो आपको शार्पनेस को इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। तो फाइनली हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।